आपकी बेटी की शादी है ना, यही सीख दे रही है इसे। जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी मंदिर ढूंढ लीजिए, पकड़ा दीजिए इनकी शादी, पर मेरे लिए ये शादी झूठी ही रहेगी। आपकी बेटी इसकी धर्म पत्नी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि इस कोने में जो ये लड़की खड़ी है ना अपनी मांग का सिंदूर पूछ के, वो इसकी असली पत्नी है। पंडित जी ने अन्नी और अर्शी की शादी को बीच में ही ऐसे रुकवाए कि अर्शी तो अन्नी की पूरी तरह से हो ही नहीं पाई। और अब जहां सब फैसला लेते हैं कि वो कोलकाता जाते ही उन दोनों की शादी करवा देंगे, ताकि अर्शी को थोड़ी तसल्ली मिले कि जो बात पंडित जी ने कही है उसमें कोई दम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस शादी को दो लोग नकली बताते फिर रहे थे, आज उसी के लिए एक पंडित असली बता रहा है, क्योंकि वो ईश्वर के समक्ष हुई थी और उस बंधन को अब कोई नहीं तोड़ सकेगा, बोले हैं पंडित जी। पर अब सृष्टि के पास एक आइडिया आता है और वो अन्नी से कहती है कि अर्शी के मांग में अब सिर्फ सिंदूर ही तो बचा था, तो वो भी अब अन्नी भर दे, तो क्यों नहीं अन्नी उसके मांग को अब भर दे। और पूरे परिवार के दबाव में अब आकर अन्नी उठाता है सिंदूर का शंख, पर उसके हाथ रुके रुके से हैं और कहीं अन्नी घबराया हुआ है। आखिर क्यों अन्नी अर्शी की मांग जल्द से जल्द नहीं भर रहा, उसे भी क्यों, क्या इस शादी में दिलचस्पी नहीं है, क्या वो भी पंडित जी की कहे बातों को मन ही मन मान तो नहीं रहा, और क्या अन्नी को कहीं ना कहीं झनक से की हुई शादी असली तो नहीं लगती, क्या वो झनक को एक पत्नी के रूप में मान चुका है मन ही मन। और जहां अब अन्नी एक बार और बढ़ता है अर्शी के तरफ सिंदूर लिए, अब पंडित जी सामने आ जाते हैं और क्रोधित होते हैं कि आखिर परिवार वाले क्यों नहीं मानते विधि की विधान को, और ऐलान कर देते हैं कि अन्नी और अर्शी की शादी कभी नहीं होगी, और अब उन्हें उस मंदिर से बाहर जाने का आदेश देते हैं पंडित जी। अब अर्शी आधी अधूरी शादी में फंसी। किसने अज्ञात जी तुम्हें, बोलो, ईश्वर का अपमान है ये। और मैं ये अधर्म होने नहीं दूंगा, जाओ यहां से, मेरे मंदिर से निकल जाओ बाहर। शहर के हर पंडित को तुम्हारे विरुद्ध कर दूंगा मैं। मेरे क्रोध का प्रकोप तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इस तरह रस्मों का मजाक नहीं बनाने दूंगा तुम्हें। जाते जाते भी झनक को ही दोषी ठहरा देती है कि उसी के वजह से आज उसकी शादी रुक गई, और वहीं जहां अन्नी अर्शी को लेकर जाता है, वहीं बिपाशा और लाल भी झनक को सुनाए बगैर नहीं जाते। पर अब झनक करे भी तो क्या, क्या अपने दिल की सुने और अन्नी को बता दे कि वो उससे कितना प्यार करती है, पर अर्शी दीदी के चलते वो उन दोनों के बीच भी नहीं आना चाहती है, क्योंकि अन्नी ने उसे कभी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि वो उससे प्यार करता है, पर वो उसे अर्शी से कहते सुन चुकी है। और अब यही भ्रम में घूम रही है तीन जिंदगियां। क्या अब अन्नी दौड़े दौड़े जाएगा वापस कोलकाता अर्शी से शादी की रस्में निभाने परिवार के साथ, या करेगा मनमानी और रहेगा कश्मीर में झनक के पास झनक के एग्जाम्स होने तक। पर अन्नी के इस फैसले से क्या झनक होगी राजी या होगा कुछ और ही। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन किसके साथ शादी करेगा ये भगवान स्वयं तय करते हैं। कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। इंसान अपनी मन मर्जी चलाकर एक की शादी किसी दूसरे के साथ करा देता है, उससे खुश नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती, जाओ यहां से आप लोग, जाओ। और पूरे कश्मीर में
इनकी शादी नहीं हो सकती।